Yes. Please. Leave sir. चप्पल पहन के आ गए यार। चप्पल पहन के आ गए सर। वो अभी कल शिफ्टिंग हुई है तो अभी शोज दिखा दे कल ही चप्पल के साथ। चलो बताओ ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषय में पढ़ते हैं आप। जी सर। भारत की जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है पिछले 10 सालों में उनमें क्या परिवर्तन देखे हैं? सर 2014 के बाद थोड़ा सा और असर्टिव हो गए हैं हम। हमने बहुत सारे अलग अलग रीजन्स को टारगेट किया है। पहले हमारी कोई एसएच पॉलिसी नहीं थी, अब हर एक रीजन के लिए अलग अलग पॉलिसी हो गई है। जैसे कि पहले हमारी एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, अब उसमें हमने एक्ट ईस्ट कर दिया है। सिमिलरली पहले पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध ऑन ऑफ चलते रहते थे, बट कभी ऐसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था, बट अब हमारा एक प्रकार से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमने सीधे एक बोल दिया है कि टेररिज्म के साथ बातें नहीं हो सकती। पहले हमने टेररिज्म होता रहता था बट हमने कभी भी चैनल उसको ऑफ नहीं किया था, बात हमारी होती रहती थी, बट और ज़्यादा असर्टिव हो गए सर। और अभी 2019 के बाद जब से श्री एस जयशंकर साहब ने कमान संभाली है मिनिस्ट्री की, उसके बाद मैंने देखा ऐसा कि और ज्यादा असर्टिव हो गए हम वर्ल्ड लेवल पे। और अभी G20 के बाद और ज्यादा एक G20 की जब से प्रेसिडेंसी आई है तो एक लीडरशिप रोल में देख रहा हूँ। भैया पर बाकी आप देखो ना, आपका ना तो अभी अमेरिका पूरी तरह से विश्वसनीय मित्र है, है ना, और ना ही जो है आपका रूस विश्वसनीय मित्र। अमेरिका को करने के चक्कर में रूस की दोस्ती कम हो गई है आपकी। आप देखिए रूस चाइना की तरफ झुक रहा है और अमेरिका अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर रहा है पाकिस्तान को, फिर से उसने आर्थिक सहायता दे दिया हथियारों के लिए और उल्टा हमको मध्य एशिया में पूरा घूम के जाना पड़ रहा है। फिर कहाँ से जयशंकर जी का अच्छी विदेश नीति आपको लग रही? सर मुझे लगता है कि अब हम किसी एक ग्रुप में नहीं हो रहे हैं। पहले हम ये बताओ भारत के किस पड़ोसी देश के साथ बहुत अच्छे संबंध है? चलो पाकिस्तान को छोड़ दिया सर, बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध है, भूटान नेपाल के साथ अच्छे हैं। नेपाल तो अभी भारत को आंख दिखा रहा था। सर वो दिखा रहा था बट अभी जो रिसेंटली अभी जो आए हैं उनका प्रेसिडेंट की ये तो दौरे तो होते रहेंगे। श्रीलंका पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में। यस सर, बट सर अभी जो रिसेंटली जो भूटान चाइना के कंट्रोल में। हाँ सर भूटान एग्जैक्टली नहीं बोल सकते सर, भूटान बट हमारे साथ अभी बट डोकलाम में तो उसने बोल दिया हम तो चाइना के साथ चाइना को रखेंगे बातचीत में। हाँ चल भी रही है उनके नेगोशिएशंस, कई राउंड हो गए। पूरी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा कोई भी ऐसा एक मजबूत पड़ोसी देश हमारा साथी नहीं है ब्लाइंडली, जिसको हम बोले कि जैसे रूस हमारा सपोर्टर है एक तरह, पूरी दुनिया थी 70 ब्लाइंड सपोर्टर था रूस, वो भी नहीं बचा। तो ये सकारात्मक परिवर्तन है विदेश नीति में कि नकारात्मक? मुझे लगता है कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट किसी साइड की तरफ ना जाके एक अपना एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल बनना चाह रहे हैं। हम किसी का साइड नहीं लेना चाह रहे हैं। यूएस रशिया वो ठीक है, वो एक पोल है मल्टीपोलर वर्ल्ड के, हम भी एक पोल है, तो हम इसलिए कोई किसी की साइड नहीं है, हम अपना हम खुद एक पोल है। ये एक पॉजिटिव चेंज है अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो भारत ऐसा क्यों नहीं करा पाया अभी तक कि जो भारत नक्शा दिखाता है दुनिया में दूसरे देश भी उसी नक्शे को प्रेजेंट करें? भारत के बाहर जो नक्शा दिखता है वो तो अलग दिखता है। जम्मू कश्मीर को दिखाते हैं हम, कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं पास्ट में जहां पे ऐसा हुआ है, स्पेशली जहां पे चाइना का डोमिनेंस रहा है या पाकिस्तान का, बट मोर ऑर लेस चाहे यूरोपियन एशियन की कोई कॉन्फ्रेंस हो या यूएस से रिलेटेड हो या वेस्ट से यूजली, वहां पे सर मैंने तो अभी नहीं देखा ऐसा कोई नक्शा जहां पे डिस्टॉर्टेड पूरा रीजन जम्मू कश्मीर का इंडिया को ही बताया जाता है जितना मैंने देखा है। पीओके पीओके और अक्साई चिनवाला संयुक्त राष्ट्र मान्यता दी हुई है? नहीं सर अभी उसपे तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी ही माना है उसको, उसपे अभी संयुक्त राष्ट्र का कुछ भी वो नहीं है सर। अभी एक तिथि थी जिसके बाद जो है दोनों देश जहां है वहीं पर रहे। यस सर, ये जो यूनाइटेड नेशन की घोषणा है ये कब हुई थी? सर ईयर तो याद नहीं है सर, 1947 या मतलब सॉरी डेट सही तो डेट है डेट सर अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, हम जबलपुर के हैं। जवाली ऋषि कौन थे? सर जवाली ऋषि एक सेंट थे सर जो जिन्होंने नर्मदा के तट पे बैठ के तपस्या की थी, उनके नाम भी जबलपुर का नाम। ओके, ये दशरथ
क्लाइमेट पॉलिसीज फॉलो करते हैं पाईआर में? इंडिया की क्या पॉलिसी है, क्लाइमेट नेगोशिएशंस होते हैं उसमें इंडिया का क्या स्टैंड है और क्या पॉलिसी है इंडिया की? इंडिया की सबसे पहली पॉलिसी तो ये है कि सर जो INDC है उसको हम पूर्णता मानते हैं, इंटेंडेड जो हमारी INDC में हमने जो तीन छत रखी, इसके अलावा हमने पंचामृत अभी एक नया आया है हमने जो प्रधानमंत्री जी ने उसका घोषणा की है, साथ ही साथ हम ये मानते हैं कि क्योंकि हिस्टोरिकल लेवल पे डेवलप्ड नेशन का ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि उन्होंने ज्यादा कार्बन एमिशन किया है, तो कुछ एक ऐसा वर्ड है डिफरेंशिएट रिस्पांस, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पांस, इस चीज को अपन फॉलो करते हैं। ओके, ये कहां हुआ था कॉप, कौन सा कॉप चल रहा है अभी, कौन सा कॉप हुआ था लास्ट टाइम? 23rd हुआ था सर, 23rd 27 कहां पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था शायद, नहीं सर, इजिप्ट। हां सर, ऐसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दो वर्ड जनरली सुनने को मिलते हैं, डिफरेंस क्या है सर? क्लाइमेट चेंज ये है कि लॉन्ग टर्म टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक कारण है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली हो रही है बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और वो एक कारण है क्लाइमेट चेंज। अच्छा, आपने न्यूज वगैरह पढ़ी होगी, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कई देशों ने अपना ली है और हमारे यहाँ जो ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से निकाला हुआ ऑयल इंपोर्ट होता है। इंडिया में अभी भी जो है हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों सर? हमने जैसे BT ब्रिंजल और इस पे अभी हमने शोध की है, बट अभी उस पे सर मुझे लगता है कि अभी उतना रिसर्च, सिर्फ एक ही जो क्रॉप है हमने अलाउ करी है BT कॉटन, कॉटन उसके अलावा कोई क्रॉप हमने अलाउ नहीं करी। हाँ सर, वो BT ब्रिंजल और BT मस्टर्ड जो है सर, उसमें बेसिकली ये है कि वो भी फूड क्रॉप्स है, तो अभी उस पे और गवर्नमेंट का जो स्टैंड है अभी उस पे और ज्यादा शोध होना बाकी है, अभी उसके बाहर तो अलाउ कर दिया इन लोगों ने। हाँ सर, बाहर अलाउ कर दिया है, बट अभी हमारा ये स्टैंड है कि अभी उस पे और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। अच्छा, पॉडकास्ट और ऑडियो बुक में क्या अंतर है? सर, पॉडकास्ट ये होता है कि उसको ऑडियो, एक तो ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट किसी में भी हो सकता है और किसी भी एक टॉपिक पे दो या दो से अधिक लोग डिस्कशन करते हैं, और ऑडियो बुक में सर ये होता है कि जो बुक में लिखा हुआ है वो बस आपको ऑडियो फॉर्म में पढ़ रहा है। कोई यानी अच्छा पॉडकास्ट जो करता हो आप सर? एक इंडिया का रणवीर इलाहाबादिया सर है जो बियर बाइसेप करके अपना चैनल चलाते हैं, वो उनका इंडिया में ये ऑडियो बुक या पॉडकास्ट इतना प्रचार नहीं हो पा रहा, उनका अडॉप्ट नहीं कर रहे लोग सर, इसका क्या कारण है? जैसे ऑडियो बुक्स भी जो है बाहर बहुत अमेज़न वगैरह उसका ऑडिबल है, उसको बहुत सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ तो इस तरह मैंने कुछ देखा ही नहीं कि ऑडियो बुक का कुछ चलन है, क्या कारण है इसका? ऑडियो बुक एक तो अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा अब जो उनका सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा हाई है, जैसे कुछ ऑडियो बुक्स हैं उनमें 500 रुपए महीने का सब्सक्रिप्शन लेता जो कि काफी हाई है, मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अमेज़न तो शायद 200 रुपए लेता है, 3 किताबें फ्री रहती महीने। हाँ सर, बट वो थोड़ा सा अभी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सा हाई है, 200 रुपए। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और पॉडकास्ट तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अभी अच्छे से ग्रो कर रहा है क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी पॉडकास्ट चैनल हैं जो मेजर 8-10 चैनल हैं उनके सर अच्छे, मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन के ऊपर ही सब्सक्राइबर है, मुझे लगता है वो तो ग्रो कर रहा है सर। हाँ, एक बात बताइए, CPAC पर भारत को क्या आपत्तियां हैं? सर, सबसे पहली आपत्ति तो ये है कि वो हमारा सॉवरनिटी को हिट कर रहा है क्योंकि POK हम अपना हिस्सा मानते हैं और वो POK से पास हो रहा है क्योंकि वो काश्कर से सीधे ग्वादर जो करेक्ट हो रहा है वो POK से पास हो रहा है, तो सर इसलिए हमें सबसे बड़ी आपत्ति ये है उसमें, क्योंकि हमसे बिना कॉन्फिडेंस में लिए या हमसे बिना बात करे हमारी एरिया से उन्होंने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। एक बात बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में UN सिक्योरिटी काउंसिल में क्या इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए? यस सर, उसके पक्ष में 3 तर्क दीजिए। सर, सबसे पहली बात तो हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, दूसरी बात है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है हम, और साथ ही साथ अभी तो ऑलमोस्ट $3.75 trillion हो गए और अभी जल्दी $5 trillion इकोनॉमी हो जाएंगे, साथ ही साथ सर हमारी जो UN की पीस कीपिंग फोर्सेज है उसमें हमारी बहुत बड़ी योगदान रहता है और इंडिया एक ऐसा देश है जो हमेशा पीस को प्रमोट करता है, तो ये सब का देखते हैं, और हम लार्जेस्ट ऑलमोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है अभी, तो जो UN की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से,
भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने NPT और CTBT पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए, क्या कारण है सर? ये ट्रीटीज जो है वो फेयर नहीं है सर, मुझे लगता है, क्योंकि इनके NPT के हिसाब से सिर्फ 6-7 देश है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, बाकी वो अलाउ नहीं है। तो इसमें सर हमारा मेन मुद्दा ये है कि या तो आप ये करो कि टोटल डिसआर्ममेंट कर दो कि किसी के पास भी नहीं रहेंगे, या तो सर आप किसी, मतलब ये तो डिस्पैरिटी है ना सर, आपने किसी को दे दिया और फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं बस अब नहीं होगा, तो हमें सबसे मेन इश्यूज का ये है जिसके कारण हम उसको नहीं साइन करना है। काला पानी की बात क्या है? भारत और नेपाल के बीच के है ना? हाँ सर, वो बाउंड्री डिस्प्यूट है ऊपर उत्तराखंड वाली एरिया में थोड़ा सा, लिपुलेख लिम्पिया धुरा। हाँ सर वहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ा था मैंने बट अभी। इतने अच्छे जवाब दे दिया आपने, है ना? स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पल्स और भारत उसमें कैसे फंसता जा रहा है? स्ट्रिंग ऑफ पल्स एक प्रकार से चाइना की एक पॉलिसी है जिसके तहत वो इंडियन ओशन में अलग अलग टापू और अलग अलग देशों की मदद से अपने बेसिस बना रहा है टू काउंटर इंडिया, वो इनसर्कल करना चाहते हैं इंडिया को इंडियन ओशन में। तो उसके कारण उनका अलग अलग, जैसे एक श्रीलंका में भी हम्बनटोटा पोर्ट है, बांग्लादेश से भी ले रहा है वो, इसके अलावा यहाँ पे जिबूती में उनके वो है, जिबूती में है, तो सर ऐसे वो पूरा इनसर्कल कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आज से ठीक 6 महीने पहले भारत और तुर्की के संबंध बहुत तनावपूर्ण थे, तुर्की के जो प्रेसिडेंट थे अर्दोगन वो पब्लिकली पाकिस्तान को खुला सपोर्ट करते थे और भारत के खिलाफ अंट संट बोलते थे, लेकिन आज अचानक से तुर्की भारत के काफ़ी नज़दीक आ गया है, क्या कारण है? इन 6 महीने में ऐसा क्या हुआ? सर जो वहाँ पे भी अर्थक्वेक आया था तो हमने जो ऑपरेशन दोस्त चल रहा था, एक उस ये मेन कारण है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनका बहुत अच्छा समर्थन मिला था, तो एक ये मेन कारण कि दुश्मन होने के बावजूद हमारी मदद की है, है ना? तो कई बार छोटी छोटी घटनाएं बड़े बड़े दुश्मनों को दोस्त बना देती हैं, है ना? भारतीय डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में कुछ और ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण रातों रात हमारे दोस्त दुश्मन हो गए और दुश्मन दोस्त हो गए? सर मुझे लगता है कि जो पोखरान में हमने टेस्ट किया था उसके बाद सर काफी जो हमारे फ्रेंडली नेशंस थे वो, जैसे US उस समय पे एकदम सैंक्शंस लगा दिए थे, तो वो एक घटना है जिसके कारण एक कुछ सेकंड में ही वो हो गया। अच्छा चलिए आखिरी क्वेश्चन है, नेहरू जी से अटल बिहारी वाजपेयी जी तक और वाजपेयी जी से जयशंकर तक फॉरेन पॉलिसी में आपने क्या बदलाव दिखा है? सर नेहरू जी की जो पॉलिसी थी, जो इंटरनेशनल पॉलिसी थी, वो नॉन अलाइनमेंट में बेसिस था उनका सर, मतलब हमें किसी भी ग्रुप में नहीं रहना है, बट हम एक प्रकार से हर ग्रुप में है बट हम किसी का साइड नहीं लेंगे। जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, इनका ये था, इनका भी एक प्रकार से था पीसी था मेन, इनका पीस, चाहे वो लाहौर यात्रा हो पाकिस्तान के साथ, बट उनका ये इनका पीस। और अभी जो जयशंकर साहब का जो अभी हमारी जो पॉलिसी है, इनका है ऑल अलाइनमेंट, मतलब हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, हम सबके साथ अलाइन होंगे, तो वो नॉन अलाइनमेंट से हम कहीं नहीं, ऑल अलाइनमेंट की तरफ। अभी रूस यूक्रेन पर यूनाइटेड नेशंस में मतदान हुआ, भारत ने उसमें भाग ही नहीं लिया, तो ये नॉन अलाइनमेंट का प्रतीक है कि ऑल अलाइनमेंट का प्रतीक है? सो मुझे लगता है कि ये ऑल अलाइनमेंट का प्रतीक वो है, बिकॉज हमने हम वॉर के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, बट हम अपने पुराने दोस्त रूस के वो नहीं कर सकते, मतलब उनको गुस्सा नहीं कर सकते, तो ये ऑल अलाइनमेंट का एक प्रतीक है। ठीक है बेटे, ये बताओ ये मेरिट क्या है? मेरिट जबलपुर की अपेक्षा जो है इंदौर IT का हब बन गया है? मुझे लगता है कि इंदौर के पास एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो कनेक्टिविटी है, स्पेशली मुंबई से, या ये दिल्ली मुंबई लाइन में ही ये प्रकार से पड़ता है। जबलपुर तो मेरे ख्याल से अलाहाबाद मुंबई रेलवे लाइन में आता है। हाँ
आंसर आता है, ये एक ही कारण है। उसके अलावा सर शुरू से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू जबलपुर। जबलपुर में इतना इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हुआ है। जबलपुर तो महाकौशल का एक प्रमुख नगरी रही शुरू से। हाँ सर, बट आईटी सेक्टर में इतना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, हालांकि अभी एक आईटी खुला है आईटी। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कारण? सर मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट की कमी है कहीं ना कहीं। इन्वेस्टमेंट अगर होगा सर तो वहाँ पे यूथ अच्छा एजुकेटेड है, वहाँ पे हो सकता है सर डेवलपमेंट आईटी का। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर इंदौर आकर्षित हो रहा है, लेकिन जबलपुर में आकर्षित नहीं हो रहा है। सर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो है ना कि सर एक बार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिल जाता है ना पूरा। जैसे अभी हम बेंगलोर को देखें तो बेंगलोर के पास पूरा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमेशा से लोग वहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंदौर में भी नहीं है, सिर्फ एक इमारत बनी है आईटी पार्क के नाम पे, बाकी और कुछ भी नहीं है इंदौर में। लोग तो यहाँ आ रहे हैं, जमकर आ रहे हैं, जबलपुर में नहीं आ रहे हैं। क्या बात, जबलपुर में क्या हुआ अभी तक आईटी के सेक्टर में? कोई बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह है वहाँ कोई स्थापित हुआ? पेटीएम ने अभी अपना ऑफिस खोला। नहीं, गवर्नमेंट का कुछ है क्या कोई वहाँ पर इंस्टीट्यूशन? बताइए ना उसको सबसे पहले, है ना। चलिए, नेटवर्क जो टोपोलॉजी वो क्या होती है सर? ये एक प्रकार से नेटवर्क टेक्नोलॉजी में टोपोलॉजी में अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ने की जो तरीका होता है उसी को नेटवर्क टेक्नोलॉजी। जैसे स्टार टोपोलॉजी क्या है सर? स्टार टोपोलॉजी में एक बीच में रहता है एक नोड, और उससे अलग अलग कंप्यूटर या नोड जिसको बोलते हैं उसको कनेक्ट किया जाता है थ्रू वायर से। तो इसमें नेटवर्किंग को कंट्रोल कौन करता है? जो सर्वर है वो कौन होता है? सर्वर सर मेन जो सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर होता है पूरे नेटवर्क का उसको सर सर्वर बोलते हैं। इसका कोई एग्जांपल दो, कहां पर ऐसा देखते हैं आप? स्टार टोपोग्राफी कहां पर देखने में मिलती है आपको? सर स्टार टोपोलॉजी सर मैंने साइबर कैफेज में देखी है, जब उनके पास प्रिंटर एक ही रहता है तो वहां पे वो सर कनेक्ट करते हैं और सब एक ही से प्रिंट लेते हैं। तो इसमें क्या लोड वगैरह नहीं पड़ता क्या उस पर केबल पर? चलिए, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे एक ब्रिटिश थिंक टैंक है, क्या नाम है उसका? ब्रिटिश थिंक टैंक, उसकी बहुत बड़ी चिंता आई है। कोई एक नया कोई अच्छे से ही नाम है उसका, कोई चैटहम हाउस वगैरह करके है, क्या सुना होगा आपने चैटहम हाउस करके? ब्रिटिश थिंक टैंक, तो उसने चाइना को लेकर भारत मतलब भारत के लिए जो है चाइना को बहुत बड़ी समस्या बताया। क्या है, क्या समस्या बताया उन्होंने? अभी बिल्कुल रिसेंटली जो है ब्रिटेन ने बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है चाइना को लेकर। हाँ सर, मैंने मुझे एकदम याद नहीं आ रहा सर, मैंने ऊपर ये न्यूज़ पढ़ी थी, वो स्क्रॉल कर रहा था बट एकदम। चलिए, जबलपुर में आप मुझे बताइए कि फॉरेस्ट जो है डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ना, वो किस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्थापित किया गया है? TFRI है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोर्ड। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी क्या विशेषता होती है? सर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एक ये जो ट्रॉपिक्स के बीच में बेसिकली पाए जाते हैं, जो इक्वेटर से ऊपर और ट्रॉपिक्स के बीच में, उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। सर क्या विशेषता है सर उनकी? उसमें भी तीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुझे नहीं विशेषता बताइए, मुझे का उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सर डेसिडियस होते हैं। डेसिडियस होते हैं क्यों सर? क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इसलिए डेसिडियस होते हैं क्योंकि पानी की सर वो कमी रहती है ट्रॉपिक्स में, बहुत ज्यादा पानी रहता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन रहते हैं। कब कौन से सीजन में जो है ये होता है अक्सर? सर गर्मी के जस्ट पहले, यानी कि स्प्रिंग है। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में जो है स्प्रिंग सीजन में डेसिडियस है ना, यानी हम कहेंगे पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं पेड़ों के, ठीक है? लंदन में नहीं गिरते यार, लंदन में जो है ऑटम सीजन में गिरते हैं, ऐसा क्यों? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये क्लाइमेटिक रीजन जो वहाँ का है वहाँ पे 12 महीने बारिश होती है, बहुत कम समय जहाँ पे बारिश वहाँ पे नहीं रहती है लंदन का जो क्लाइमेट है, और हमारा जो क्लाइमेट है मानसूनी टाइप है, जहाँ पे एक सर्टेन मंथ होते हैं जहाँ पे सिर्फ बारिश होती है, जहाँ पे अधिकतम बारिश होती है, इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, इसलिए हमारे जो ट्रीज है उन्होंने ऐसा अडॉप्ट किया है कि उनको अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं।
वास्तव में ऐसा होता है? अमेरिका अपने लंदन में कुछ अलग प्रकार के पेड़ हैं, आपके यहाँ कुछ अलग प्रकार के पेड़ हैं। लंदन कौन से लेटिट्यूड पे बैठा हुआ है सर? और इंडिया कौन से लेटिट्यूड पर बैठा हुआ है सर? हम तो सर 8 डिग्री 8 डिग्री साउथ टू 78 डिग्री नॉर्थ, सॉरी सर सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। और लंदन? लंदन सर 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री थोड़ा ऊपर हो जाएगा। चलिए इसके नियर बाई है ना, तो थोड़ा सा अंतर आएगा ना, चेंज क्लाइमेटिक क्लाइमेट। समर जो है धीरे धीरे इधर से ऊपर बढ़ती है, उसका फर्क आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।